गोवा के पास अरब सागर में डॉनियर विमान हादसे में शहीद होने वाली पलवल की अफसर बिटिया किरण शेखावत और उदयपुर के जाबाज अभिनव नागौरी को देश आज आखिरी सलामी देगा। शहीद किरण का पलवल में और शहीद अभिनव का उदयपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस दौरान नौसेना के अफसरों के अलावा प्रशासन के लोग भी मौजूद रहेंगे। नीली वर्दी, नीली टोपी, नौसेना के ये दो जाबाज ऑफिसर किरण और अभिनव अब हमेशा के लिए खामोश हो चुके हैं, सिर्फ यादों में और तस्वीरों में रह जाएंगे। उदयपुर में आज अभिनव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दूसरी तरफ पलवल अपनी बहादुर बेटी किरण को आज आखिरी विदाई देगा। तिरंगे में लिपटा अभिनव का शव जब उदयपुर लाया गया तो पूरा शहर अपने इस जाबाज के स्वागत के लिए उमड़ आया। सेना के जवानों ने अभिनव को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और फिर एक गाड़ी में फूलों से सजाकर इस शहीद का शव उसके घर तक पहुंचाया गया। अपने लाल को तिरंगे में खामोश लिपटे देख मां के सब्र का बांध टूट गया। आंसुओं से भीगी मां ने अपने लाल को गले से लगा लिया। इस मां की ख्वाहिश है कि हर जन्म में अभिनव भी उसका बेटा बने। अभिनव के माँ पिता को उनकी शहादत पर गर्व है। 7 जन्म लूं मैं और 7 जन्म में ऐसा ही बेटा दे, और हर माँ को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि बेटा पैदा करे तो देश के लिए करे, क्योंकि स्वार्थ के लिए सब जीते हैं और परमात्मा भी जीता है, वही सच्चा इंसान है। हर चौराहे से गुजरे ताकि लोग मतलब देखें और उसके जज्बे से बच्चे भी प्रेरित हों और आगे बढ़ें और सेना में जाने की कभी सोचे भी सही, कहाँ देश के लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो ये इस तरह से उसका प्रोसेशन होगा और फिर लास्ट हम अशोकनगर जो शमशान है उसमें उसका फ्यूनरल करेंगे। एक तरफ उदयपुर अभिनव की शहादत पर फख्र महसूस कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा का पलवल अपनी बहादुर बेटी किरण शेखावत की आखिरी झलक पाने के लिए बेचैन है। देश की बहादुर बेटी किरण शेखावत पलवल में ही पली बढ़ी और उनका परिवार पलवल में ही रहता है। जाहिर है किरण के लिए आज हजारों आंखें नम हैं। मारे तो बात गौरवान्वित करी गई और पूरा देश को नाम रोशन करे बात भी जय की लड़की भगवान अभिनव नागौरी और किरण शेखावत का विमान डॉर्नियर 228 25 मार्च की रात गोवा के नजदीक अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 3 दिनों से विमान में सवार दोनों नौसेना अधिकारियों की तलाश जारी थी, लेकिन शुक्रवार को विमान के बीच के हिस्से से लेफ्टिनेंट किरण और लेफ्टिनेंट अभिनव के शव मिलने की दर्दनाक खबर आई। देश को अपने इन जाबाज सैनिकों पर गर्व है। दिल्ली से मनीष प्रसाद के साथ रमेश गर्ग, उदयपुर, इंडिया टीवी।